नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम एक नए हाउस प्लान के साथ आप लोग के बीच आए हैं। तो ये दिखाना चाहते हैं, ये देखिए 20x40 का हाउस प्लान है, 20x40 दैट मीन्स 800 स्क्वायर फीट एरिया है। आप देख पा रहे होंगे ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है, ठीक है। तो सामने आपको इस तरह से 20 फीट मिल जाएगा और इस तरह से 40 फीट मिल जाएगा। और एक बात और है, यह ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखें, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, तो आपको इसका पूरा लेआउट समझ में आ जाएगा। इस प्लान का एक खास बात यह है कि अगर आप फ्रंट ईस्ट फेसिंग आपका फ्रंट है तो साउथ नॉर्थ और साउथ दैट मीन्स ये साउथ, ये नॉर्थ और वेस्ट, इधर जो है किसी और का प्लॉट है, इसलिए आप खिड़कियां या फिर आप जो है दरवाज़ा खोल नहीं सकते उधर, तो उसको देखते हुए बनाया गया है। इसमें वास्तु का भी थोड़ा ध्यान दिया गया है। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें हैं। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर सिर्फ आपको कोई नक्शा चाहिए तो यहाँ से मैं ऐसा कर रहा हूँ, स्क्रीन शॉट आप इसका ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप स्क्रीन शॉट लीजिए और अपना काम कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को समझना चाहते हैं, इस नक्शे को समझना चाहते हैं, इसका वास्तु समझना चाहते हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए, बस 2 मिनट का पेशेंस रखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 2 कॉलम हैं, 2 कॉलम का सेंस जो गेट वाला कॉलम, गेट आपका पूरा 9 फीट चौड़ा है, ठीक है। यहाँ से आपको पूरा मिल जाता है 15 फीट की पार्किंग, जैसे आप देख पा रहे हैं पोर्च कम पार्किंग, 9 फीट 5 इंच चौड़ा, यानी 9.5 फीट बाई 15.5 फीट है, ठीक है, 15.5 फीट ये 5 इंच है। तो आपको इस तरह से पूरा मिल जाता है एक पार्किंग। दाहिने साइड आपका पार्क का गेट खुलता, सॉरी कार का गेट खुलता है, तो इसलिए आप दाहिने साइड खोल के आसानी से एंट्री भी कर सकते हैं। और ये आपका, सॉरी ये आपका गेस्ट रूम है, एक सेकंड, ये आपका रहा गेस्ट रूम। तो ठीक है, ये फ्रंट में आपको एक मिल जाता है फ्रंट लॉन 3 फीट वाइड, ये जो आपका एरिया है यहाँ पर आप जो है गार्डनिंग कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात और, ये वास्तु के अनुसार ईशान कोण है, तो ईशान कोण में आप चाहें तो इस खिड़की को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के छोटा सा भगवान की मूर्ति वगैरह रख सकते हैं, या फिर आप समरसिबल या फिर पानी की व्यवस्था के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे बोर वगैरह कराना हो तो यहाँ करा सकते हैं, या फिर भगवान की मूर्ति रख सकते हैं, या इनसे अलग कुछ करना हो तो आप जो है यहाँ पर ये पेड़ पौधे लगा सकते हैं छोटे छोटे, जो घर के लुक को और इन्हेंस करेंगे। यहाँ पर बता दूँ ये पूरा मुख्य वाल रहेगा और यहाँ से ये वाला चीज़ ये बाउंड्री वाल होगा, ठीक है ना। तो आपने देख लिया ये 3 फीट वाइड है। और अब आते हैं गेस्ट रूम की तरफ। तो ये एक आपको कोई भी गेस्ट आपके आते हैं तो यहाँ से एंट्री करेंगे और इसमें आ जाएंगे। तो गेस्ट रूम आपका देख पा रहे होंगे 9 फीट 5 इंच बाई 12 फीट, यानी कि इस तरह से 9 फीट 5 इंच है, यानी 9.5 फीट है, और इस तरह से 12 फीट है, ओके। इसके बाद यहाँ ये मेन एंट्री है, MD मेन डोर, यहाँ से एंट्री करेंगे। एंट्री करने से पहले हम ये भी बता दें, यहाँ पर एक स्टेयर बना है जीना, तो जीना के एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज आपको मिल जाएगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, क्योंकि फ्रंट में जीना अगर रखना होगा तो आपको यही प्रावधान है, क्योंकि आप इस साइड में ईशान कोण में नहीं कर सकते हैं, ईशान कोण में जो ये हल्का या डाउन रखा जाता है, इसलिए हम जीना को फ्रंट में रखेंगे तो हमेशा हम जो है आग्नेय कोण में रखेंगे, इसको आग्नेय कोण कहते हैं, तो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक थोड़ा सा नुकसान ये हो सकता है कि ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है, बाकी सब ठीक है। तो जीना से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर स्टेप्स आप काउंट कर सकते हैं, देख रहे होंगे। तो ये वाला हिस्सा जो है ना ऊपर चला जाएगा यहाँ से, तो कार वगैरह आपके इसके अंदर आ जाएंगी, कार हो बाइक वगैरह हो जो भी। इसके बाद हम एंट्री करते हैं और आपको मिल जाता है एक बहुत बड़ा ऐसे डाइनिंग हॉल, या कहिए लॉबी लिविंग भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये आपका 8.5 बाई 11 फीट, यानी इस तरह से 8 फीट 6 इंच है और इस तरह से 11 फीट पूरा है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये एक छोटा सा किचन मिल जाता है जो सफिशियंट भी है साइज के अनुसार। तो ये आपको मिलता है 5.5 बाई 8 फीट, 8 फीट 2 इंच है, मैं 8 फीट समझ के चलता हूँ। तो ये आग्नेय कोण में है, जबकि किचन आपको आग्नेय कोण में होना चाहिए, ये पूरी तरह से आग्नेय कोण में है। इसका वेंटिलेशन का व्यवस्था फ्रंट से किया गया है, आप देख पा रहे होंगे ये फ्रंट में वेंटिलेशन का व्यवस्था किया गया है, और ये बैक से भी, यहाँ से भी वेंटिलेशन देख सकते हैं। इस घर में 2 OTS दिया गया है, आप चाहें तो 1 OTS भी दे सकते हैं, इसको आप स्किप कर सकते हैं इस OTS को, और इस OTS को आप रख सकते हैं। इस OTS को रखने से एक ये होगा कि इस टॉयलेट का वेंटिलेशन हो सकता है। अब एक चीज़ और है कि आप इस टॉयलेट के जो डोर है, ये डोर आप यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसलिए लगाया गया है कि जो गेस्ट होंगे तो ये यहीं से निकलेंगे और एक यहाँ जा सकते हैं।
तो इसलिए यहाँ लगा दिया गया है। अदरवाइज आप चाहते हैं कि नहीं और आपके गेस्ट वगैरह इधर जा सकते हैं तो इस डोर को यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ से क्या होने वाला है कि कोई व्यक्ति खाना वगैरह खाता तो भी यहाँ पर वॉश बेसिन लगा रहेगा, हाथ धो लेगा, और टॉयलेट करके निकलने वाले व्यक्ति जो टॉयलेट्स निकलते हैं वो भी यहाँ पर जो हाथ वगैरह धो सकते हैं। दूसरी बात, टॉयलेट्स निकलते वक्त जो पानी वगैरह पैर में लगा होता है या हम लोग मेट लगा बिछाते हैं नीचे, वो यहाँ रख देंगे तो वो पानी वगैरह वहाँ रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट इससे कनेक्ट नहीं रहेगा। तो ये कि इसका एक बेनिफिट होगा, आप ये ऑप्शनल है आपके लिए। ओके, ये ओटीएस मतलब जो यहाँ भी ओटीएस है और यहाँ भी ओटीएस थी। इट्स ओटीएस का मतलब होता है ओपन टू स्काई। अब सामान्यतः मैं बताऊँ, जो घरों में छत में स्लैब में जो जाली लगी होती है उसी को बोला जाता है कि जो ओपन टू स्काई कहा जाता है उसी को, ठीक है, डीपली जितने जाएंगे। तो ये आपको मिल गया, आपकी साइज़ देख लिए इसका, इसका साइज़ ये आपको कॉमन टॉयलेट, टॉयलेट इसमें एक ही है, 4.5 x 8 फीट 2 इंच का है। इसके बाद हम ओटीएस की साइज़ आप देख पा रहे होंगे, 4.5 x 3 फीट का है, ये 3 फीट है, इस तरह से 4.5 है, यहाँ भी ये 3 फीट है और इस तरह से 5.5 है। ओके, इसके बाद आते हैं ये 2 बेडरूम, इसमें 2 बेडरूम के साइज़ आप देख सकते हैं, इस तरह से 9 फीट 5 इंच है और इस तरह से 12 फीट है। सेम ये भी है 9 फीट 5 इंच और ये 12 इंच। एक बात और बता दें, ये जितनी भी दीवार है, क्योंकि ये अदर प्रॉपर्टी है किसी और की है तो ये ऑलरेडी बनी है या बनेगी, तो ऐसे में हम जो अपना दीवार रखेंगे बाहर के, वो 4.5 इंच या 4 इंच कहेंगे वो रखेंगे। तो ये दीवार 4.5 इंच है। ओके, और जो खिड़कियाँ इस कमरे का और इस कमरे का, देखिए यहाँ से खिड़की इसकी हो जाएगी, वेंटिलेशन हो जाएगा पूरा प्रॉपर, इसका वेंटिलेशन यहाँ से हो जाएगा और इसी ओटीएस से इस टॉयलेट का भी वेंटिलेशन होगा, ठीक है, और इस डाइनिंग का भी, इन दोनों ओटीएस से हो जाएगा। फ्रंट से आप यहाँ पर वेंटिलेशन लगा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। एक और जानकारी लेते हैं, ये जो स्टेप्स हैं इसकी राइजर और ट्रेड कितना है। तो ट्रेड में बता दो, ये 10 इंच होगा, ट्रेड इसको कहते हैं, ये जो चौड़ाई होता है ये ट्रेड होता है, और राइजर मतलब जो स्टेप्स होते हैं उठान उसके, ठीक है, राइज वो 7 इंच रखे जाएंगे यहाँ पे, ठीक। आप चाहें तो 6.5 इंच भी रख सकते हैं, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। अभी इसमें मैंने बताया कि ये आपको सभी दीवार 4.5 इंच की है। दरवाजे की बात कर लें, ये कमरे के दरवाज़ा जो ये और ये, इसके बाद ये जो मेन डोर और इस गेस्ट रूम के दोनों जो डोर होंगे ये सभी 3.5 फीट के होंगे, ठीक है। इसके बाद ये टॉयलेट जो होगा, इसका जो दरवाज़ा होगा ये आपका मिल जाएगा 2.5 फीट का, और यहाँ पर जो किचन के लिए है ये आप 3 फीट का लगाएंगे। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप 3.5 फीट लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा 3 फीट लगाइए आप, ठीक है। ओके, इसके बाद ये जो खिड़की है ये 4 फीट की होगी, तो सभी कमरों में खिड़कियाँ 4 फीट की होंगी, जबकि गेस्ट रूम में फ्रंट की खिड़की 5 फीट की होगी। जैसा मैंने शुरू में ही बोला था कि ये बाउंड्री वॉल होगा, इसकी हाइट ऊपर नहीं जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूजा रूम छूट गया है तो ये पूजा रूम, पूजा के लिए एक बहुत बेहतरीन जगह है ये, ईशान कोण, पूजा एरिया इधर ही होता है, तो आप दे सकते हैं। अगर आप पूजा नहीं देते हैं तो इसके लिए आप जो है बोर वगैरह करा सकते हैं, ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट है। सेप्टिक टैंक बनाना होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ये तो चूंकि ये आग्नेय कोण है, ये वाला आग्नेय कोण और ये वाला ईशान कोण है, तो इधर सेप्टिक टैंक बनाने की तो वैसे मनाही है। सेप्टिक टैंक का सबसे बेस्ट जगह ये होता है वायव्य कोण, ये पश्चिम है, ये उत्तर, तो इसको वायव्य कोण बोलते हैं, इस जीना को, इस एरिया को। तो सेप्टिक टैंक आप इधर बनवा सकते हैं अगर पॉसिबल हो, और उसके जो पाइप है आप जो है इधर से नहीं गुजारेंगे, उसके पाइप को हम इस साइड से लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला एरिया जो होता है वास्तु के अनुसार बहुत शुद्ध मानी जाती है, पहले स्थान पे, सेकंड स्थान पे, क्योंकि आपका फ्रंट इधर ही है तो आपको करना तो पड़ेगा। तो आप जो है यहाँ से पाइप इस साइड से लाइए, या फिर सेप्टिक टैंक का दूसरा ऑप्शन इधर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेप्टिक टैंक यहाँ बना के फिर यहाँ से पाइप नीचे लेकर आ सकते हैं। अगर आप चाहें कि सेप्टिक टैंक वहाँ ना बनवाएं दोनों कंडीशन में, तो आप जो है जीना के नीचे बना सकते हैं यहाँ पर, जबकि ये वास्तु के अनुसार तो इसे ठीक नहीं है, बट सुविधा के अनुसार बात करें, जो जो गाड़ियाँ आएंगी इसको साफ़ करने के लिए वो आसानी से साफ़ कर लेंगे। सेप्टिक टैंक में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैन होल के थ्रू आसानी से इसमें अंदर जाके रिपेयर किया जा सकता है, किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल इसका पूरा डिस्क्रिप्शन इस वीडियो का, इस नक्शे का, ठीक है। ये मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पूरा वीडियो और प्लस ये नक्शा बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएँ। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।